तो भाइयों और बहनों सब्सक्राइब मारो। तुझे पता है साल का सबसे खतरनाक दिन कौन सा होता है? रक्षाबंधन। अच्छा दूसरा सबसे खतरनाक दिन कौन सा होता है पता है क्या? कौन सा? रिजल्ट डे। साला जैसे ही रिजल्ट डे नजदीक आता है व्हाट्सएप ग्रुप पे एक महाचूतिया होता है जो हर रोज मैसेज डालेगा रिजल्ट लगा रिजल्ट लगा। साला नोटिफिकेशन पढ़ के टट्टे गले में लटक जाते। बाद में पता चलता है कि वो भोसड़ी का पूछ रहा था रिजल्ट लगा रिजल्ट लगा। छुट्टियों में हम लोग गांव जाते घूमने जाते लेकिन रिजल्ट लगने का टाइम इतना परफेक्ट होता है जिस दिन मम्मी पापा के साथ खाना खाने बैठेगा ना तभी किसी लंड फकीर का फोन आ जाएगा भाई रिजल्ट लगा। और हम चूतिए भी फ्लो फ्लो में बक देते क्या बात कर रहे लगा। और जैसे ही हमें पता चलता है कि रिजल्ट लगा हम रिजल्ट की वेबसाइट खोलने लगते और जो वेबसाइट पूरे साल में एक सेकंड में खुल जाती थी वो रिजल्ट के दिन में जो 10-15 मिनट लगी लोड होने के लिए। और जब तक वेबसाइट ओपन हो यहाँ पापा ने डंडे को लाल मिर्च लगाकर रेडी रखा होता है मैं जो जैसे ही रिजल्ट लगा गांड में घुसट डाला डंडे को। यहाँ घर वालों का गुस्सा सातवें आसमान पे होता है तभी एक मादर बग दोस्त लड्डू लेकर घर में चिल्लाते चिल्लाते घुसेगा भाई मेरे को 90% मिले बेंचोत उसी लड्डू की बूंदी बनाकर उसकी गांड में घुसटने का मन करता है। और रिजल्ट के दिन ये भोसड़ी के नए रिश्तेदार कहां से पैदा हो जाते पता नहीं। अगर तू हॉस्पिटल में आईसीयू में मर रहा हो ना तभी भी तुझे देखने नहीं आया वो रिश्तेदार भी फोन करके पूछेगा क्या रिजल्ट आया। मन करता है साले का गला दबाकर प्रॉपर्टी का एक हिस्सेदार कम कर दूं। फिर थोड़ी देर बाद हमारे पूज्य पिताजी चालू हो जाते। मुझे तो 10वीं में 50 मार्क्स आए थे पता है कितने होते हैं 50 मार्क्स? उस जमाने में 50% मतलब इस जमाने के 95%। अबे मतलब क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? एग्जाम का रिजल्ट है वो शेयर मार्केट के परसेंट नहीं जो टाइम के साथ बढ़ेंगे। साला खड़े खड़े मैथमेटिक्स की माँ बहन कर दी पापा ने। और मुझे आज तक पता नहीं चला कि ये लड़कियां 90-95% मार्क्स लेकर करती क्या है क्योंकि दुनिया में टॉप बिजनेसमैन टॉप रिचेस्ट पीपल टॉप साइंटिस्ट सबके सब लड़के तो 95% दहेज में बांट देती क्या है? और 90% मिलने के बाद भी बोलेगी मुझे सिर्फ 90% मिला और यहाँ लॉन्डो को 70% भी मिल जाए महीना भर पार्टी करेंगे।